अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने वीडियो डाली थी, उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए, यानी कि मेरे घर में 74 व्यूज़ आए हैं। वो मेरी पहली वीडियो थी, आज मेरी ये दूसरी वीडियो है। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और फॉलोअर्स भी 11 हो गए हैं और पता बहुत ही अच्छे हुए हैं। 74 वीडियोस 74 व्यूज़ पर इतने 11 फॉलोअर्स हुए हैं। और आज की कहानी जो है वो कुछ यूँ है कि एक लड़का जो कि तकरीर सुन रहा था होता है एक उस्ताद की, उसका उस्ताद बोलता है कि इल्म बहुत ताकतवर चीज़ है और बहुत ही कीमती चीज़ है। तो वो उस लड़के के जहन में वो बात बैठ जाती है और वो जाता है बाज़ार में मोची के पास अपना जूता सिलवाने के लिए और उससे कहता है कि मुझे ये जूता सी दो और मैं आपको एक मसला बताऊंगा। तो मोची कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो वो मोची पैसे मांगता है और कहता है कि पैसे ले आओ तो जूता बना देता हूँ, नहीं तो नहीं बना देता। अब वो लड़का अपने उस्ताद के पास आता है और पूछता है कि ये कैसी बात है कि इल्म कैसे ताकतवर है। उस्ताद ने उसको एक मोती दिया और कहा कि तुम जाओ इसे बाज़ार में बेच कर आओ, सब्ज़ी मंडी में जाओ तुम बेच कर आओ, मंडी में जाओ। वो गया मंडी में, तो जब वहाँ पे गया तो उसने सब्ज़ी वाले से कहा कि ये मोती है मेरे पास, कि तुम इसे कितने में लोगे। वो कहता है ये मोती दे दो मुझे और इससे मेरे बच्चे खेलेंगे। तो उसने कहा कि 2-3 लीमू उठा लो। अब वो मोती लेकर उस्ताद के पास आया और उसको कहा कि इसकी इतनी कीमत है, 2-3 लीमू। अब वो जाता है दूसरे, वो कहता है कि अब तुम सुनार के पास चलो। वो सुनार के पास जाता है और उसे कहता है कि इसकी क्या कीमत है। तो सुनार जो है वो कहता है, मोती को देखता है और कहता है कि अगर तुम ये मेरी पूरी दुकान ले लो तो तब भी ये इसकी कीमत ज़्यादा है, पर मेरी दुकान बहुत सस्ती है इसके मुकाबले में। अब वो मोती लेकर उस्ताद के पास आता है और कहता है कि इसकी कीमत इतनी महंगी है, पर इसकी क्या वजह है। उसने कहा कि तुमने उसकी सही जगह पे कीमत नहीं लगवाई थी, इल्म की सही कीमत जो होती है उसकी सही जगह पे होती है, इसलिए अगर आप लोगों के सामने अगर रद्दी वाला है तो आपके सारे अल्फाज रद्दी हैं। ये मुहावरा सही बैठता है इस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।